बिशनपुर प्रखंड के टुटवा पानी में नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के अधिसूचना को रद्द करने को लेकर नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज विरोधी जनसंघर्ष समिति के बैनर तले दो दिवसीय संकल्प दिवस सह विरोध सभा का आयोजन किया गया। जनसंघर्ष समिति के हेनरी तिर्की ने बताया कि हर साल विरोधी एवं संकल्प दिवस मनाया जाता है, इस बार भी 22 एवं 23 मार्च को इसका आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के पहले दिन से ही हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोगों का जुटान शुरू हो गया था। घर मोहम्मद आन में है और हम लोग 29वां साल है हमारा। ये नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का शुरुआती दौर में हम लोग का आंदोलन 1993 से शुरू हुआ। इससे पहले 40 साल सेना यहाँ फायरिंग अभ्यास करते रही। फायरिंग अभ्यास करने के बाद इन्होंने फायरिंग रेंज का प्रस्ताव डाला और उसके साथ साथ पायलट प्रोजेक्ट नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का भी प्रस्ताव डाला। फायरिंग प्रैक्टिस का तो अधिसूचना जारी ही थी। जब 29 गाँव को के साथ प्रशासन और सेना के लोग बैठकर फैसला करने के लिए मकोडार प्रखंड में आने का के समय में हम लोग उसका विरोध उसी दिन से शुरू कर आंदोलन 10 सितंबर 1993 से शुरू हुआ और जनसंघर्ष समिति बना, केंद्रीय जनसंघर्ष समिति दिसंबर माह में और जनवरी माह में ये निर्णय लिया गया कि हम लोग का इस क्षेत्र में सेना का अगर गतिविधि रहेगी तो फायरिंग रेंज बनेगा। इसलिए आज ही से 1994 का जनवरी माह से ही हम लोग सेना का गतिविधि को रोक दिए, उनका कोई गतिविधि नहीं हो ऐसा निर्णय लेकर हम लोग उस पर अपना कार्य शुरू किए। अपने ही दौर में 2004 तक हम लोग आंदोलन किए, 2004 तक नहीं आया था, 2004 के दिसंबर में फिर दोबारा सेना के लोग आए, हम लोग उनको भी वापस किए। 94 में हम लोग पहला जो सेना आई उस समय हम लोग सभी मिल के अहिंसात्मक रूप से उनको वापस किए और अभी हम लोग उसमें एक चीज़ मांगा कि हम लोग का जो भी अधिसूचना है वो निरस्त हो और फायरिंग रेंज नहीं बने। इस पर आंदोलन और संघर्ष जन आंदोलन अहिंसात्मक लगातार जारी है और अभी तक है कि अभी 11 मई 2022 तक अधिसूचना को क्या अंतिम समय है, इसलिए हम लोग इसका विस्तारीकरण अभी ये नहीं कि इनको मैंने से सवाल किए। हमने कहा कि जमीन का रेट क्या है, उन्होंने कहा कि रेट का तो सवाल ही नहीं है, हमको जमीन ही नहीं देनी। तो हमको ऐसे आंदोलन में आंदोलनकारियों के साथ में रहने का मौका मिल रहा है, ऐसे लोगों के बीच में हम रह रहे हैं कि जो अपने जमीन को बेचना नहीं चाहते। ये पॉलिटिकल साहब के टाइप में हुआ एक आंदोलन पॉलिटिकल साहब ने नोएडा के अंदर उन्होंने गुरुवार जब को नोएडा में उन्होंने कहा कि हम जमीन तो देंगे, हमारे जमीन का तो रेट बढ़वा सकते। टिकेट साहब ने कहा मैं रेट बढ़वाने के बंधु के नहीं आता, मैं तो वे लोग यहाँ पे हैं कि जो अपनी जमीन ना बेचना चाहते हो, मैं तो उनके साथ हूँ। तो ये वे लोग हैं कि जो अपनी जमीन हम राजस्थान में दिए हैं, राजस्थान में किसी पार्टी की सरकार है कुछ नहीं, लेकिन वहां पे गए एक किसान की जमीन नीलाम करी 7 लाख रुपए के चर्चे में 40 लाख रुपए में उसकी नीलाम सर्किट रेट उसका 2.5 करोड़ रुपया था और मार्केट रेट उसकी ज्यादा होगी, लेकिन हम वहां पर भी गए, वहां किसी बीजेपी की सरकार नहीं थी, वहां कांग्रेस की थी। हमारा पार्टी से विरोध नहीं है, पार्टी के तो सब लोग साथ में रहते हैं आंदोलन के। हमारा सरकार के कोई भी सरकार अगर गलत निर्णय लेगी तो हम उसका विरोध करेंगे। रहा दूसरी चीज के वो कैसे जीतते हैं, वो ऐसी यूनिवर्सिटी वहां पे है कि उसमें फेल
अगर स्टूडेंट हो जाता है तो पास का सर्टिफिकेट वहां पर दे सकते हैं, वहां किसी की दिखाने की हिम्मत नहीं है ना किसी की बोलने की, पूरे सिस्टम पे देश पर कब्जा हो चुका है। वो फेल हुए कैंडिडेट को भी जिनका सर्टिफिकेट दे देंगे कोई बोलने का नहीं वहां पे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।